ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 182, लेसन नंबर 8, ओके द चैप्टर नेम इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लियर है, ये अपना चल रहा था, इसमें अपने कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे, फैक्टर्स क्लियर है अपने, ओके। नेक्स्ट था अपना द साइकिल ऑफ सीजन्स, अपने कितने टाइप्स के सीजन बताए हैं अपने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीजन देयर इन इंडिया। रितिका गिव मी आंसर, कितने टाइप्स के सीजन है अपने इंडिया में अकॉर्डिंग टू बुक, हाउ मेनी टाइप्स इन इंडिया। वेरी गुड, फोर टाइप, ओके, विंटर, समर, रेनी सीजन एंड ऑटम, ओके। क्लियर है, तो इसमें हमने जो कर लिया वो हो गया अपने विंटर सीजन हो गया एंड समर सीजन, ओके। नेक्स्ट नाउ वी स्टार्ट साउथ वेस्ट मानसून और द रेनी सीजन, ओके। अब हम आज डिस्कस करेंगे रेनी सीजन के बारे में। चैप्टर फिनिश करना है आज, आप लोगों को 2 पॉइंट्स है वो अभी करना है, ओके। बिल्कुल सिंपल सा है, रेनी सीजन है एंड आफ्टर दिस अपने ऑटम सीजन है ना, ज्यादा इसमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। यस स्टार्ट द रेनी सीजन स्टार्ट फ्रॉम जून टिल द एंड ऑफ सितंबर, ओके। जो रेनी सीजन अपने यहाँ का कब से कब तक माना जाता है, जून से लेके सितंबर तक माना जाता है, ये अपने रेनी सीजन के मंथ होते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, ओके। अभी सितंबर चल रहा है तो इस मंथ के लास्ट में क्या हो जाएगा, अपना रेनी सीजन जो है वो बीता हो जाएगा, ओके। मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड्स, कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से मॉइस्चर जो विंड्स रहती है, यानी जिसमें ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर रहती है, वहां से ब्लो होती है, बहना शुरू करती है। When these winds strike the mountains, और जब ये winds जो mountains है उनकी strike करती है तो उससे क्या हो जाती है, rainfall हो जाती है। Imagine कीजिए ये क्या है, ये एक mountain है और winds आई अपने साथ में moisture लेकर आई, okay? और जैसे वो इसको strike करेगी, इससे टकराएगी तो बादल क्या हो जाते हैं, बरसना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया में इसी टाइप्स की यहाँ पर rainfall होती है। It rains heavily causing floods, अगर बहुत तेज बरसात आती है तो उससे फ्लड यानी कि बाढ़ भी आ जाती है। इन सम पार्ट्स इट रेन हेवनली कॉजिंग फ्लड्स व्हाइल इन सम पार्ट्स इट माइट रेन वेरी लेस, ओके। अब देखिए कुछ पार्ट्स के अंदर तो काफी तेज बरसात होती है और वहां पर बाढ़ भी आ जाती है, बट इंडिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जहाँ पर रेनफॉल काफी कम होती है, ओके, और वहां पर ड्राउट हो जाता है, वहां पर सूखा पड़ जाता है। जैसे अपने राजस्थान में देखिए जैसलमेर साइड में वहां रेनफॉल बहुत कम होती है, क्लियर है, और मेघालय है उस साइड में काफी तेज बरसात होती है, नॉर्थन पार्ट में काफी तेज होती है। द ईयरली साइकिल ऑफ सीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डोमिनेट बाय द मानसून विंड्स, अब इंडिया में इस तरह का ही जो सीजन आता है कि हर साल क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं, मानसून सीजन आता है, तो इंडिया में ये जो रेनी सीजन आता है ये मानसून विंड्स की वजह से आता है, इसलिए अपने यहाँ पर मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। ऑल लाइफ फॉर्म्स आर अफेक्टेड बाय द सीजन रिदमिक क्रिएटेड बाय द मानसून, और अपना जो भी अपनी जो भी लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है, उसका इफेक्ट अपनी लाइफ पर पड़ता है मानसून का। द वेरिंग पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अफेक्टेड बाय द फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स, तो इन सभी के इफेक्ट अपने लाइफ के ऊपर होते हैं, फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स है, देखा आपने पहले पढ़ा था कि जो अरावली रेंजेस है तो उसके पैरेलल जाती है हवा, अगर बिल्कुल उसके ऑपोजिट में आएगी तो उससे टकरा के बरसात बारिश हो जाती है, बट अपने राजस्थान में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल आपने मैं तो पढ़ा होगा कि जैसे ये माउंटेन्स है अरावली माउंटेन्स, तो जो एयर है उसके पैरेलल चले जाती है, इसलिए स्ट्राइक नहीं हो पाती, इसलिए अपने राजस्थान में रेनफॉल कम होती है, और जहां बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है तो वहां पर रेनफॉल हो जाती है। क्लियर है,
वॉइस बिल्कुल क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि माइक बिल्कुल सेम उसी तरह से लगा हुआ जैसे पहले रहता है। रितिका आपको कुछ प्रॉब्लम है वॉइस की? दर्शिका, मनीष नाथावर, आई थिंक वॉइस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो श्रेयांश आपके वहां कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। ओके, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, आपके वहां नेटवर्क इशू होगा उसलिए प्रॉब्लम होगी, बल्कि यहाँ तो बिल्कुल अच्छी रेंज जा रही है। ओके, वेरी गुड। यस, तो जब पैरेलल होती है तो उससे क्या होता है, रेनफॉल कम होती है, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड में माउंटेन्स आ जाते हैं तो जो रेनफॉल है वो काफी हैवी होती है। ओके, यस, और लाइव वो अपनी जो भी है लाइव उससे इफेक्टेड होती है। फीचर्स लाइक माउंटेन एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, और जो विंड्स है जो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आई है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड में जाती है उस पर भी डिपेंड करता है कि रेनफॉल कैसी होगी। अगर वो माउंटेन्स के ऑपोजिट है, माउंटेन्स है और इधर से आ रही है तो रेनफॉल ज्यादा होगी, और उसके पैरेलल मानसून ये है अपना माउंटेन्स और विंड्स यूं चली जाएगी पैरेलल तो फिर रेनफॉल कम होगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, रीट्रीटिंग मानसून और द ऑटम। अब देखिए आफ्टर सितंबर क्या हो जाता है, ऑटम। इट स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ सितंबर। अब देखिए मानसून जा रहा है। ओके, तो लास्ट में कुछ जाते जाते कुछ बारिश होती है, जैसे अभी अपने कभी कभी हो रही है, दो तीन दिन पहले हो गई थी। ओके, और फिर कल न्यूज में आया है कि दो तीन दिन बाद में कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तो इस तरह का ये सिस्टम रहता है। इसे हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जो रेनी सीजन होता है उसके लास्ट में जो बारिश होती है, दिस इज कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून। अब देखिए रिट्रीटिंग मानसून और द ऑटम सीजन, सेप्टेम्बर अप टू द मिडिल ऑफ नवंबर, कि सेप्टेम्बर के बाद में यानी सेप्टेम्बर से लेकर नवंबर के बीच में हल्की फुल्की बरसात होती है। ओके, The winds starts blowing from the mainland to the Bay of Bengal, or we can say that monsoon start retreating. अब इसमें क्या होता है कि देखो इसमें क्या लिखा है, The winds blow starts blowing from the mainland to the Bay of Bengal. इसमें Bay of Bengal से जो है वो winds आती है, जबकि इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, Bay of Bengal से एंड Arabian Sea से आती है तो मानसून होता है वो। ओके, बट रिट्रीटिंग मानसून होता है वो बे बंगाल से स्टार्ट होता है, और वी कैन से दैट मानसून स्टार्ट रिट्रीटिंग, इट इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, और ये जो मानसून है काफी धीरे होता है, स्लो होता है, इट इज स्लो। दिस साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, और ये जो रिट्रीटिंग मानसून होता है बे बंगाल से जो विंड्स आती है, मॉइस्चर विंड्स होती है, उससे साउथर्न पार्ट्स में ज्यादा बारिश होती है, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके, वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, एंड द वेदर चेंज स्लोली फ्रॉम हॉट वेट सीजन टू द कोल्ड ड्राई पीरियड, और फिर जो वेदर होता है वो इससे चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे भी आपने देखा कि सीजन था अब नॉर्मल हो रहा है और उसके आफ्टर धीरे धीरे क्या होगा, नवंबर के आफ्टर अपने यहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो सितंबर से लेकर नवंबर तक इस तरह की बारिश होती है कुछ जगह, और धीरे धीरे जो अपना टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है एंड विंटर सीजन अपने स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक सिस्टम चलता है धीरे धीरे, ये ऐसे प्रोसेस होता है। द वेदर चेंज स्लोली फ्रॉम हॉट वेट सीजन टू द कूल ड्राई सीजन, कूल ड्राई सीजन के मीन्स है कि ठंड पड़ना शुरू हो जाती है बट उसमें रेनफॉल नहीं होती, तो रेनफॉल नहीं होती इसलिए हम उसे कोल्ड ड्राई सीजन भी कह सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, बच्चे सोचते हैं कि सर ये कोल्ड भी है ड्राई भी कैसा है, तो ड्राई मीन से वहां रेनफॉल कम होती है इसलिए हम उसे ड्राई कोल्ड ड्राई सीजन कह सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब देखिए पूरे इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या रेनफॉल का? नो, कहीं पर रेनफॉल काफी ज्यादा होती है, कहीं रेनफॉल क्या होती है काफी
कम होती है। अपने राजस्थान में देखो रेनफॉल कम होती है, एंड जो मेघालय है, ओके, असम है, उस साइड पे रेनफॉल ज्यादा होती है। तो रेनफॉल क्या होता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल होता है। द डायरेक्शन ऑफ रेन बियरिंग विंड्स एंड फिजिकल फीचर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब ये इसका रीजन क्या है कि कहीं रेनफॉल ज्यादा हो रही है, एक्सेस हो रही है, जहाँ पर बाढ़ भी आ रही है, ओके, जहाँ जो भी ब्रिजेज वगैरह बांध है वो पूरे भर गए हैं, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ बारिश बहुत कम हो रही है और वहाँ पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अपने राजस्थान में होता है अधिकतर। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये इसका रीजन क्या है, रेन बियरिंग विंड्स की जो हवाएं आती है वो किस तरफ से आती है और उनका डायरेक्शन किस साइड में है, वहाँ रेनफॉल हो पाती है या नहीं हो पाती। इसके अलावा जो फिजिकल फीचर्स है अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। फिजिकल फीचर्स मैंने आपको बताया, इसमें मेन तो क्या है, मेन तो ये है कि आसपास वाटर बॉडी है या नहीं है। नेक्स्ट होता है कि माउंटेन्स किस डायरेक्शन है, राजस्थान में जो अरावली माउंटेन्स है वो जो विंड्स आती है उसके पैरेलल है, इसलिए यहाँ रेनफॉल कम होती है, और जहाँ पर ये अगेंस्ट में है, बिल्कुल ऑपोजिट है, वहाँ रेनफॉल ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह फिजिकल जो फीचर्स रहते हैं वो भी इस पर इफेक्ट डालते हैं। क्लियर है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम? नवनीत, चेतन, ओके। देखिए द एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज अबाउट 120 सेंटीमीटर। इंडिया में जो है एवरेज रेनफॉल लगभग कितनी होती है, सेंटीमीटर अंडरलाइन कीजिए। एवरेज रेनफॉल अपने इंडिया में कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या मिलीमीटर या फिट में मत कर लेना, इसे अंडरलाइन कीजिए। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यू में, ओके। एवरेज रेनफॉल का मतलब है कहीं पर रेनफॉल काफी ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, बट उसका जो एवरेज निकाला जाता है वो 120 सेंटीमीटर। दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल फॉर ए कंट्री एज लार्ज एंड बिग एज इंडिया। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल हैज बीन रिकॉर्डेड एंड मॉन्सून नाम नियर चेरापूंजी। अंडरलाइन कीजिए, वर्ल्ड में जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है वो कहाँ पर होती है, मॉन्सून नाम में होती है, चेरापूंजी में, ओके। मेघालय के अंदर एक जगह है मौसिनराम, और ये मौसिनराम चेरापूंजी के पास में है, ओके। तो वहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, बट लास्ट ईयर और उससे पहले ये जगह कुछ चेंज हो गई है, बट नॉर्मल यही मानी जाएगी क्योंकि अपने बुक में ये लिखा, जो लास्ट ईयर और उससे पहले है उस समय चेरापूंजी में हाईएस्ट रेनफॉल नहीं हुई थी, ओके। बट अपन चेरापूंजी ही मानेंगे। लगभग कितनी हुई थी, 1,142 सेंटीमीटर, ओके। इतनी हाई हैवी रेनफॉल होती है कि इतनी हाइट तक वो हो जाती है पूरे रेनी सीजन में। द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल हाउएवर इन इंडिया इज अनइवन, कि अपने इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है वो अनइवन होती है। अनइवन मीन्स क्या हो गया, कहीं पर ज्यादा होगी और कहीं पर कम होगी। इन इंडिया इज अनइवन, ऑन द वन हैंड पार्ट्स ऑफ मेघालय रिसीव अबाउट 800 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अब देखिए इंडिया में कहीं पर कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, जैसे आपने इसमें देखा मेघालय के अंदर ही 800 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल हो जाती है, जबकि ऑन द अदर हैंड सम एरिया इन साउथ वेस्ट राजस्थान, के जो राजस्थान है उसके कुछ एरिया से वहां पर 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। तो इतना डिफरेंस मिलता है, मेघालय में जहाँ पर वर्ष में सबसे ज्यादा बारिश होती है उसी तरह राजस्थान में देखो, राजस्थान के साउथ वेस्ट पार्ट के अंदर 10 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं होता। तो इस तरह से अपने इंडिया के अंदर क्या होती है, जो रेनफॉल है वो काफी क्या है, अनइवन है, कहीं बहुत ज्यादा है एंड कहीं पर बहुत ज्यादा बहुत कम है। क्लियर है बच्चों, और कुछ पूछना है आपको, एनी पॉइंट? चैप्टर अपना फिनिश है। अपना इसमें
जहां तक मुझे पता है एक जो पॉइंट है हॉट विंटर, हॉट वेदर सीजन और समर, इसमें कुछ पॉइंट्स अपने बच गया। ओके यस, अपना एक टॉपिक बचा हुआ है हॉट वेदर सीजन या समर, पेज नंबर 180। यस, टेक आउट पेज नंबर 181। इसमें कुछ टॉपिक रह गया या हम रिपीट कर रहे हैं, निकाल लिया बच्चों पेज नंबर 181 ये अपना छूट गया टॉपिक। ओके, द समर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च टिल मई और जून। जो समर सीजन है वो कब स्टार्ट हो जाता है, मार्च में और लगभग मई या जून तक ये चलता है। ओके ऋतिका, ये पॉइंट अपना रह गया था। प्रियांश, तो मार्च से स्टार्ट हो जाता है और मई जून तक ये सीजन चलता है। सन रेज आर मोर और लेस डायरेक्ट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इंडिया के बीच में से निकलती है और जो सन है वो डायरेक्ट उसकी जो रेंज है वो अपने यहाँ पर गिर रही है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है। द सन रेज आर मोर और लेस डायरेक्ट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द टेम्परेचर राइजेस एंड द वेरी हॉट। टेम्परेचर राइज हो जाता है, जब टेम्परेचर राइज होता है मीन्स वहां पर क्या हो जाता है, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, समर होती है, गर्मी होती है एंड लू और द ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे इन लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अंडरलाइन कीजिए, आपने देखा होगा गर्मियों में काफी तेज गर्म हवाएं चलती है। ओके उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लू। ये लोकल विंड्स होती है। ओके ये पूरे इंडिया में नहीं रहती, अपने कोस्टल रीजन में नहीं होगी, तो ये तो लोकल विंड्स है, जैसे अपने राजस्थान में ये होती है। ओके गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में ये हो जाती है, तो दिस इज कॉल्ड लू। बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है, ड्राई सीजन रहता है, दिस इज कॉल्ड लू। अंडरलाइन कीजिए इसमें लू, एल डबल। ब्लोज ड्यूरिंग द डे इन लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में राजस्थान भी आता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू द विंड्स कॉज सन स्ट्रोक टू द पीपल, और डायरेक्ट सन हीट पड़ती है, इससे यहाँ के लोगों को काफी प्रॉब्लम हो जाती है। टू अवॉइड सन स्ट्रोक पीपल ड्रिंक मेनी टाइप्स ऑफ शरबत और कोल्ड ड्रिंक, और डायरेक्ट जो सन हीट है उसके स्ट्रोक से बचने के लिए जो लोग हैं गर्मियों में कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि शरबत है, कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की काफी चीजें जो रहती है वो पीते हैं, जिससे कि डायरेक्ट हीट से वो बच सके। एट द एंड ऑफ द समर सीजन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस प्री मानसून सॉरी। अब क्या होता है, जब ये रेनी ये जो समर सीजन है ये लास्ट होने वाला होता है, तो कुछ पार्ट्स में बारिश शुरू हो जाती है। ओके और ये बारिश रहती है, ये प्री मानसून रहता है, उसे हम मानसून नहीं कह सकते कि समर सीजन लास्ट हो रहा है जा रहा है, तो कुछ जगह जैसे अपने यहाँ भी होती है कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो उसे हम प्री मानसून शोरिंग कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग विंड्स विद हैवी रेनफॉल, कई बार काफी तेज बारिश भी हो जाती है स्ट्रॉन्ग विंड्स से, दीज आर कॉल्ड काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल। अब जैसे वेस्ट बंगाल है तो वहां पर इसे काल बैसाखी कहा जाता है, अंडरलाइन कीजिए। इंडिया एक्सपीरियंस प्री मानसून शॉवर और स्ट्रिंग विंड्स विद हैवी रेनफॉल, दीज आर कॉल्ड काल बैसाखी। ओके हम क्या कहेंगे, काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल के अंदर कहा जाता है, जबकि जो केरल है वहां पर इस तरह की जो रेनफॉल होती है उससे हम क्या कहेंगे, मैंगो शावर्स। ओके दिस इज कॉल्ड मैंगो शावर्स, दीज आर कॉल्ड काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल, वाइल इन केरला एंड कर्नाटका द
दीज आर नोन एज मैंगो शॉवर्स। मैंगो शॉवर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम के अंदर जो आम की जो फसल है, जो आम लगे हुए रहते हैं, तो वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, इसीलिए इसे मैंगो शॉवर भी कहा जाता है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपिंग ऑफ मैंगोस, लिखा हुआ है कि उससे जो मैंगो है तो वो पकना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे हम मैंगो शॉवर के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? और कुछ इसमें टॉपिक बचा हुआ है बताइए, एनी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ तो छूट गया हो। क्लियर है? दीजिएगा आप क्या टाइप कर रहे हैं बहुत तेज से। यस देखिए बच्चे, मैं आपको वापस बैग लेके चल रहा हूं, टेक आउट पेज नंबर 167। पेज नंबर 167 पर आइए, कम ऑन द पेज नंबर 167, लेसन नंबर 6। कम ऑन द पेज नंबर 167, पेज नंबर 167, लेसन नंबर इज 7। निकाल लिया सबने? श्रियांश, खुश, नवनीत, कृतिका, मनीष, कम ऑन द पेज नंबर 167। यस कम ऑन द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, उसमें आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, फोर्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। ये क्वेश्चन था आपके इसमें फोर्ड एंड ब्लॉक माउंटेन, इसको मैंने इसका मैंने आंसर सेंड किया था, उसमें मैंने एक मिस्टेक की, उसमें दोनों जगह मैंने फोर्ड लिखा था, ओके, दोनों जगह क्या लिखा मैंने फोर्ड, वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो आप तो फर्स्ट पॉइंट था उसमें, तो फर्स्ट में आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आंसर फोर्ड माउंटेन, तो फोर्ड की जगह आप ब्लॉक। क्लियर है? तो उस आंसर में आप करेक्शन कर लेना, बिकॉज यहाँ पर यहाँ भी मैंने उसमें फोल्ड लिख दिया एंड वेयर इज आफ्टर वापस फोल्ड, ओके, तो यहाँ फोल्ड नहीं होगा, यहाँ पर ब्लॉक कर लेना, तो ये आप उसमें करेक्शन कर लेना सभी, ओके, क्लियर है ऋतिका? यस, पहली जगह लिखना है, तो स्टार्टिंग में ब्लॉक लिखा हुआ है, तो देखना यहाँ पर फोल्ड लिखा हुआ, फोल्ड, ओके, फोल्ड लिखा है, इसे क्रॉस कर देना एंड ब्लॉक कर, बस ये आपको उसमें चेंज करना, ओके, अंडरस्टैंड?
क्लियर है रितिका? और कहीं कुछ प्रॉब्लम है आपको आंसर में? यस नाउ वापस वंस अगेन पेज नंबर 84, पेज नंबर 184। MCQs. Okay, first question, area receiving the highest rainfall in the world. ऐसी कौन सी जगह जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है? मौसिनराम, तमिलनाडु या राजस्थान? हाईएस्ट रेनफॉल कहां पर होती है? गिव मी आंसर। दर्शिका, श्रियांश, खुश, नवनीत, गिव मी आंसर। एरिया रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज मौसिनराम। यस, फर्स्ट का फर्स्ट। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन में टिक लगाइए इसमें। नॉर्दर्न इंडिया एंजॉयज हॉट क्लाइमेट ड्यू टू द, जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें हॉट क्लाइमेट रहता है, किसकी वजह से होता है? बे ऑफ बंगाल, रन ऑफ कच्छ या फिर हिमालय की वजह से? दर्शिका, गिव मी आंसर। व्हाट इज द रीजन दैट नॉर्दर्न इंडिया एंजॉय हॉट क्लाइमेट? उसका रीजन क्या है? यस, आंसर इज द, आप कहेंगे बच्चे को कंफ्यूज हो रहेंगे कि हिमालय से तो ठंडी हवा आनी चाहिए बिकॉज वहां तो आइस है, ओके, बट इसका रीजन क्या है कि जो साइबेरिया है आपके जो रीजन है उस साइड में से जो कोल्ड विंड्स आती है उसे ये बैरियर के रूप में रोक लेता है, ओके, और इंडिया में नहीं आ पाता, इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो होल्ड रहता है, ओके। अगर ये नहीं होता तो एक्सट्रीम कोल्ड इंडिया में आते, ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यस, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिस्क्राइब, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस नाम से डिस्क्राइब किया जाता है? बताइए आंसर फास्ट। एनी स्टूडेंट्स गिव मी आंसर। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज, बताइए आंसर। आराध्य, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यह आंसर ठीक है। और कोई? वेरी गुड, यू आर राइट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ओके।
answer is tropical monsoon climate. Yes. Second is southern India falls in the dash zone. Southern India है वो कौन से zone में आता है? सभी बच्चे अपने मन से आंसर देंगे, जरूरी नहीं है मनीष का ऋषिका का राइट हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कहा टॉरिड जोन, बट व्हाट इज द मीन ऑफ टॉरिड? टॉरिड मीन्स क्या होता है? हम बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देंगे। कुछ आपने आंसर बताया टॉरिड, व्हाट इज द मीन ऑफ टॉरिड? मनीष नाथावत आपको नहीं देना आंसर, ओनली खुश देंगे। आराध्या आपको भी नहीं देना, मनीष नाथावत को मैं ब्लॉक करने वाला हूँ, मनीष को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। कुछ गिव मी आंसर, व्हाट इज द मीन ऑफ टॉरिड? आपने आंसर बताया टॉरिड, तो टॉरिड का मीनिंग क्या हुआ? ओके मनीष, जब आपसे आंसर पूछे तब आप बताएगा। कुछ गिव मी आंसर मीन ऑफ टॉरिड। कुछ को आंसर नहीं आ रहा, बस उन्होंने ऊपर देखा कि ऋतिका ने एंड एक दो बच्चों ने मनीष ने टोरिड लिखा, हम भी टोरिड लिख देते हैं, बट टोरिड का मीनिंग नहीं पता। मनीष ना था, गिव मी आंसर मीन ऑफ टोरिड, टोरिड का मीनिंग क्या होता? ऋतिका व्हाट इज द मीन ऑफ टोरिड? वेरी गुड फॉर ओके। तो खुश आप ऐसे मत किया करो कि वहां से हमने देख लिया आंसर, अगर स्टूडेंट्स ने लिख दिया और हम भी लिख दिया और खुश होगा, ओके ऐसे खुश नहीं होना चाहिए। तो टॉरिड मीन्स होता है होट, एक्सट्रीम रहता है उसे हम टॉरिड। तो आंसर नंबर सेकंड इज टॉरिड। वेरी गुड ऋतिका, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देर आर डैश डिस्टिंक्ट सीजन इन इंडिया। इंडिया में कितने सीजन है? वेरी गुड फोर। प्लेसेस लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड एंजॉय डैश क्लाइमेट, जो हाई एल्टीट्यूड पर है तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? श्रियांश आपने लिखा सीजन, पता नहीं सीजन किसका आंसर है। प्लेसेस लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड एंजॉय डैश क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट होगा? ऋतिका का आंसर है कोल्ड, मनीष का आंसर सबसे अच्छा है कूप, सी डब्ल्यू पी। कूप मीन्स होता है जहां जो पिजन रहता है, शायद उस पर जो घर रहता है उसे हम कूप बोलते हैं। यस मनीष नाथा योर आंसर नाउ, योर आंसर कूल। ओके आराध्या ने कोल्ड, ऋतिका ने कोल्ड, बट आप कूल लिखिए, कूल क्लाइमेट। ओके बिकॉज आपके बुक में कूल क्लाइमेट है, कोल्ड भी लिख सकते हैं बट अभी कूल लिखिए। मनीष ना था, वेरी गुड, गलती से टाइप हो गया फूल है ना। नेक्स्ट है मैथ्स ऑफ ऑल, मैथ्स ऑफ ऑल में 1 2 3 4, इसमें कुछ मिस्टेक है तो बताइए, मैंने डायरेक्ट लिखा है। मैथ्स ऑफ फॉलोइंग
फर्स्ट ए सेकंड बी थर्ड सी फोर्थ डी फर्स्ट का बी होगा, देखते हैं। ऑटम सीजन जून टू नहीं, फर्स्ट का ए ही होना चाहिए। ऑटम ऑटम जो है वो कब होता है? सितंबर टू नवंबर, तो फर्स्ट का क्या है? ए। ओके, ऑटम इज क्या हो गया? रिट्रीटिंग मानसून, तो सितंबर टू नवंबर चलता है। ऋतु का मानसून है वो जून टू सितंबर। ओके, एंड विंटर नवंबर टू मार्च। ओके, एंड समर सीजन मार्च टू जून। ओके, तो आप टिक लगाइए इसमें, ए बी सी डी सीक्वेंस में आंसर। आप देखिए इस लेसन में कुछ एमसीक्यूज और बचे हुए हैं। ओके, कम ऑन द पेज नंबर 179, पेज नंबर 179। द टिपिकल हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज नॉन एज डैश, कौन सा होगा? पेज नंबर 179 एमसीक्यू। द टिपिकल हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ इंडिया नॉन एज डैश क्लाइमेट, आंसर इज नो, एक्सट्रीम नॉट नहीं होना चाहिए, आई थिंक ट्रॉपिकल मानसून होना चाहिए। इंडिया का जो है मानसून उसे हम ट्रॉपिकल मानसून नहीं कहेंगे। ओके, बिकॉज एक्सट्रीम तो होता है, एक्सट्रीम कोल्ड भी हो सकता है, एक्सट्रीम हॉट भी हो सकता है, बट जो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे हम ट्रॉपिकल मानसून विंड्स के नाम मानसून आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, देखिए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ओके, इंडियन क्लाइमेट द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो आता है जो कि फार अवे सी, जो कि सी से दूर है वहां पर एक्सट्रीम आता है। ओके, क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ डैश पासेस थ्रू इंडिया, इंडिया के लगभग बीच में से कौन सी ट्रॉपिक जाती है? कैप्रिकॉर्न, कैंसर या इक्वेटर? कुछ आपको तो आंसर ही अलग है, आप तो पता नहीं इंडिया को कहां कहां ले जाते हैं। यस, ओके, इतनी बार मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग बीच में से आती है, बट खुश के आसपास जो जाती है वो जाती है कैप्रिकॉर्न। ओके, आंसर इज कैंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियर है। इसमें जो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज बचे हैं चैप्टर के लास्ट में वो आप सेल्फ फिल करेंगे, मैं उनको करेक्शन करवा दूंगा। ओके, आपको रीड करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे वो होगा इंडिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, लेसन नंबर 9 हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनकी क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन नंबर 9 इंडिया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।